नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है मैं कौन हूं। दोस्तों, एक भिखारी ट्रेन के अंदर भीख मांगा करता था। एक दिन वो भीख मांग रहा था तो उसे एक सूटेड बूटेड आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास इस उम्मीद से गया कि ये भीख में काफी ज्यादा पैसे देगा, लेकिन जब भिखारी ने उससे भीख मांगी तो उस सेठ ने भिखारी से पूछा, क्या तुम हमेशा मांगते ही हो या बदले में किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा कि मैं तो एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरी इतनी औकात कहाँ है कि जो मैं किसी को भीख के बदले कुछ दे सकूं। तो सेठ ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं। जब तुम्हारी कुछ देने की हैसियत होगी तब तुम मेरे पास मांगने के लिए आना। इतना कहते ही स्टेशन आया, सेठ स्टेशन पर उतर गया ट्रेन से और भिखारी ये सोचने लग गया कि सेठ ने जो बात कही है बात तो ठीक है कि मैं किसी को कुछ देता तो हूं नहीं और मांगता ही रहता हूं, मुझे लोग क्यों दें। इसी उधेड़ बुन में वो घूमता रहा पूरा दिन। और अगले दिन वो स्टेशन के बाहर बैठा था तो उसने सामने कुछ फूलों के पेड़ देखे जिन पर फूल लगे थे। तो उसमें उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ये फूल तोड़कर जो मुझे भीख दे उसे मैं एक फूल दूं। बड़ा खुश हुआ वो और उसने अगले दिन फूल तोड़ लिए और जो भी भीख उसे देता था उसे बदले में एक फूल देता था। अब उसने भिखारी ने देखा कि अब लोग भीख ज्यादा उसे देने लगे हैं और उसे रोज काफी पैसे मिलने लगे थे। अब वो बड़ा खुश था। एक दिन उसे फिर वो सेठ मिल गया, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। तो भिखारी दौड़कर उसके पास गया, बोला, सेठ जी आज मैं आपको कुछ दे सकता हूं अगर आप मुझे भीख दें। तो सेठ ने उसे भीख दी और इसने बदले में उसे एक फूल दिया। सेठ फूल लेकर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, वाह क्या बात है, अब तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये बात भिखारी ने सुनी तो भिखारी बहुत खुश हुआ कि मैं भी व्यापारी बन गया हूं और ये सोचने लगा कि मैं अगर व्यापारी बन गया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। विचार करते करते उसके दिमाग में एक आ गई बात। वो ट्रेन से नीचे उतर गया और नाचने लग गया, बोले, मुझे जीवन में सफलता की चाबी मिल गई है, अब मैं जल्दी ही सेठ बन जाऊंगा। इस तरीके से 2 साल गुजर गए। एक दिन भिखारी फिर सेठ के रूप में ट्रेन में जा रहा था तो उसको वही सेठ दोबारा मिल गया। अब दोनों सेठ जब इकट्ठे हुए तो भिखारी ने उसको सेठ को नमस्कार कही तो उस सेठ ने बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन भिखारी ने कहा, नहीं हम तीसरी बार मिल रहे हैं, पहली बार जब हम मिले थे तो मैं भिखारी था तो आपने मुझे जीने का मकसद सिखाया था, फिर दूसरी बार हम मिले थे तो मुझे आपने मैं कौन हूं ये बतलाया था और मुझे उसी समय से जिंदगी में जीने का मकसद मिल गया और अब मैं भी आपकी तरह ही एक व्यापारी हूं। मैं फूलों का व्यापार करता हूं और व्यापार के सिलसिले में ही दूसरे शहर में जा रहा हूं। तो दोस्तों, भिखारी ने जब तक अपने आप को भिखारी समझा तब तक वो भिखारी ही रहा, जब उसने अपने आप को व्यापारी समझ लिया तो वह व्यापारी बन गया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूं।
अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो समझो कि हमें जिंदगी जीने का मकसद मिल गया और हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली कहानी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।